ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश की गहलोत सरकार की नीतियों के खिलाफ बीजेपी के हल्ला बोल कार्यक्रम के दौरान सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायकों, नेताओं, कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज करवाया। लेकिन चर्चा में जो बात रही वो यह कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थक माने जाने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपनी पार्टी के इस हल्ला बोल कार्यक्रम से दूरी बनाए रखी। हालांकि वसुंधरा राजे ने एक दिन बाद ही एक साथ तीन ट्वीट कर प्रदेश सरकार को जमकर घेरा। आखिर थोड़ा लेट ही सही, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गहलोत सरकार के खिलाफ हल्ला बोल ही दिया। ऐसा सोचकर बीजेपी के कार्यकर्ता खुश होना चाहे तो हो सकते हैं। वसुंधरा राजे ने रविवार को एक के बाद एक तीन ट्वीट्स करते हुए गहलोत सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था और बिजली के मुद्दे पर जमकर घेरा। इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि मैडम ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया द्वारा शुक्रवार को चलाए गए हल्ला बोल कार्यक्रम का समर्थन कर दिया है, तो मन को बहलाने को ख्याल अच्छा है गालिब। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने रविवार को प्रदेश की गहलोत सरकार पर जो निशाना साधा, इसका प्रदेश भाजपा के हल्ला बोल कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं था। यह मैडम राजे का रूटीन ट्विटर वॉर था, जो कि मैडम जब कभी भी प्रदेश की जनता किसी भी प्रकार की तकलीफ में होती है तो इस तरह का ट्वीट मैडम का जरूर आता है। मैडम राजे द्वारा रविवार को गहलोत सरकार के खिलाफ किए गए ट्वीट्स को देखें तो साफ पता चलता है कि ये ट्वीट्स हल्ला बोल कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। मैडम राजे ने रविवार को जो ट्वीट्स किए हैं उन्हें बीजेपी के हल्ला बोल के साथ हैशटैग नहीं किया गया है और ना ही प्रदेश भाजपा द्वारा चलाए गए हैशटैग गहलोत सरकार होश में आओ के साथ टैग किया गया है। और अगर मैडम को सतीश पूनिया के कार्यक्रम को सपोर्ट करना ही होता तो शुक्रवार और शनिवार दो दिन में किया जा सकता था। रविवार को मैडम ने अपने ट्वीट्स में प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए जोधपुर में प्रदर्शन के दौरान हुई किसान की मौत और एक बालिका से दुष्कर्म की दो अलग अलग घटनाओं का जिक्र किया, जबकि विभिन्न घटनाओं का उदाहरण देते हुए प्रदेश भर में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता भी जताई। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने रविवार को किए अपने पहले ट्वीट में लिखा, गंगापुर सिटी में पानी की मांग को लेकर एक वृद्ध का टंकी से कूदकर जान दे देना तथा जोधपुर में किसान आंदोलन के दौरान युवा किसान पुखराज डोगियाल का निधन हो जाना, दोनों ही घटनाएं कांग्रेस सरकार के माथे पर कलंक है जिन्होंने राजस्थान को शर्मिंदा करने का काम किया है। अपने दूसरे ट्वीट में मुख्यमंत्री राजे ने लिखा कि एक हमारी भाजपा सरकार थी जिसने बच्चियों से दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा का कानून बनाया, दूसरी ओर ऐसी कांग्रेस सरकार है जिसके कुशासन में दौसा में दिव्यांग किशोरी, करौली में दो चचेरी बहनों व जोधपुर में बच्ची से दुष्कर्म जैसी घटनाएं रोज हमें शर्मसार कर रही है। वहीं अपने तीसरे और अंतिम ट्वीट में मैडम राजे ने बिजली के मुद्दे पर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। मैडम ने लिखा, हमारी भाजपा सरकार द्वारा प्रत्येक कृषि कनेक्शन पर 833 रुपए की सब्सिडी के रूप में छूट दी गई थी, जिसे भी कांग्रेस सरकार ने बंद कर दिया। वहीं अब पिछले तीन माह से बिजली की अघोषित कटौती व VCR के नाम पर उपभोक्ताओं व किसानों से हजारों रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। मैडम वसुंधरा राजे द्वारा किए गए ट्वीट्स में एक बात जो गौर करने लायक है वो यह है कि मैडम राजे ने सीधे सीधे मुद्दों की बात की है, न कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर कोई डायरेक्ट निशाना साधा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।